आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रभात तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है प्रभात तिवारी स्टडी आई क्यू पे। जैसा कि मालूम होगा TGT भर्ती 2021 का पेपर हो चुका है, 7 और 8 अगस्त को परीक्षा हुई थी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैल चुकी है क्योंकि इस परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं। कई सारे सेंटरों से प्रूफ भी दिखाया गया है बच्चों की तरफ से कि यहाँ पर दोस्तों ये धांधलेबाजी हुई है। बहुत सारे सेंटर्स पर बच्चों का ये कहना है कि वहाँ पर क्या हुआ है, पेपर उनको पहले से खुला हुआ मिला है और परीक्षा में दोस्तों उनको आधे घंटे से पेपर लेट मिला है। तो क्या इस पर निर्णय ले रही है सरकार, इसके बारे में जानेंगे। पेपर कटिंग के माध्यम से तमाम खबरों को आपको दिखाएंगे और राष्ट्रीय युवा मंच माहनी ने दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो पत्र लिखा है उसको भी दिखाएंगे और इस पर दोस्तों आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। TGT भर्ती 2021 से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर पहले पत्र को दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये हंगामा देख लीजिए। TGT परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद DM ने भेजा परीक्षा निरस्त करने का प्रस्ताव। तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो बवाल हुआ था आपका यहां पर अंबेडकर नगर, ये जो कॉलेज आपको दिखा रहा है किसान इंटर कॉलेज, ठीक है, पकड़ीपुर भोजपुर में है। तो इस कॉलेज में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी फैली थी। यहां पर बच्चों ने लगभग 600 बच्चों ने परीक्षा को छोड़ दी थी और बहुत सारे सेंटर्स थे, लखनऊ में थे आपके, यहां पर रायबरेली में थे और प्रयागराज में थे, वाराणसी में थे, झांसी में कई सेंटर थे जहां पर परीक्षा बच्चों ने छोड़ी और जहां पर धांधली के आरोप लगाए हैं बच्चों ने, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप इस पत्र को पढ़िए जो युवा वाणी द्वारा भेजा गया है, पहले इसको पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर इसको माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दिनेश शर्मा जी को यहाँ पर लिखा गया है कि TGT 2021 में हुई भारी अनियमितता के संज्ञान में लेने से अंबेडकर नगर सहित व्यापक स्तर पर हुए भ्रष्टाचार के जांच कराकर सरकार दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, प्रस्तुत पत्र के माध्यम से आपका ध्यान सामाजिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 7 अगस्त एवं 8 अगस्त को संपन्न हुई परीक्षा में जनपद अंबेडकर नगर की किसान इंटर कॉलेज में पेपर आउट के समय प्रवेश भर में व्यापक धांधली के ओर से उत्कृष्ट आकृष्ट करना चाहते हैं। गौरतलब है कि उक्त किसान इंटर कॉलेज में 600 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का पेपर आउट होने की वजह से बहिष्कार किया गया है। अवगत कराना चाहते हैं कि प्रदेश भर के छात्रों का विरोध के बावजूद मंडल स्तर पर पूर्व में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का नियम विरुद्ध तरीके से जिला स्तर पर आयोजित कराया गया। ऐसे विद्यालयों में जानबूझकर परीक्षा केंद्र बनाए गए, उक्त परीक्षा के आयोजित कराने के मानक स्तर के नहीं थे। यहां तक कि तदर शिक्षा युक्त विद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तदर शिक्षा बड़े पैमाने पर इस भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे में इस परीक्षा केंद्रों को बनाने का इसलिए छात्र विरोध कर रहे हैं क्योंकि आशंका तदर्थ कुल युक्तियों के आधार पर परीक्षा प्रशासनिक शिक्षा माफियाओं एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली के कारण यह धांधलेबाजी हुई है। तो ये पत्र दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को पहुंच गया है। अब दोस्तों यहाँ पर संज्ञान क्या आ सकता है, यहाँ पर देख रहे हैं TGT भर्ती, यहाँ पर जो अंबेडकर नगर कॉलेज का है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर न्यूज़ दिखाता हूँ और बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर हंगामा छात्र कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर जब इसको पत्र को भेजा गया तो योगी जी ने कहा है कि ठीक है, साफ साफ कह दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अगर जहाँ कहीं भी धांधली का केस पाया जाता है तो उस पर दोस्तों उस परीक्षा सेंटर पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस पर दोस्तों यहाँ पर SIT को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई। दोस्तों इस बात को ध्यान देना कि आपका जो TGT भर्ती 2021 का SIT को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है, जहाँ कहीं भी ये पाया जाता है कि परीक्षा में धांधलीबाजी हुई जिस भी सेंटर पर, और अंबेडकर नगर में खासकर यहाँ पर SIT टीम पहुँच चुकी है और यहाँ पर जाँच करी, अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि इस सेंटर पर बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी है तो जितने भी सेंटर हैं धांधलीबाजी संबंधित सभी सेंटरों को निरस्त किया जाएगा, चाहे वो प्रयागराज से संबंधित हो या फिर का वाराणसी संबंधित हो। तो दोस्तों यही थी आपके लिए जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।